Welcome back to my channel. This is Sakshi and I'm for the first time I am going to do a cooking with you. So as you guys know, अगर आप मुझे Instagram पे follow करते हो तो मैं बहुत सारी चीजें cook करती हूँ और stories भी post करती हूँ, but कभी इतना courage नहीं आया कि YouTube पे उसको डाल सकूँ. But one thing that I'm very sure about and pretty confident about as well is कि मैं पोहा अच्छा बना लेती हूँ. और अगर आपको पता हो तो मैंने अपनी जिंदगी के 4-5 साल जो है वो इंदौर में बिताए हैं. सो चलिए ठीक है, आपको तो पता ही है कि इंदौरी पोहा बहुत फेमस है. तो मैं आज आपको बताती हूँ कि मैं कैसे अपना, जहां से मैं हूँ एमपी से, तो मैं किस तरीके से पोहा बनाती हूँ. एंड आई होप कि कभी आप बनाओ तो आपको भी रेसिपी काम आ सके. तो मैं आपको बता देती हूँ कि बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स है. आपको बताती हूँ मैं क्या क्या डालती हूँ. सो बेसिकली दिस इज 1 teaspoon ऑफ सौंफ, फिर उसके बाद यहाँ पे मस्टर्ड सीड्स है, राई, उसके बाद यहाँ पे जीरा. तो सौंफ जो है वो मैं एडिशनल ऐड करती हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उससे स्वाद बहुत अच्छा आता है. नाउ सब पहले ही बता रही हूँ कि मैं इसमें करी लीव्स भी ऐड करती हूँ, बट जिनके लिए बना रही हूँ उनको करी लीव्स पसंद नहीं है तो इसलिए मैं करी लीव्स नहीं डाल रही हूँ. नाउ आई हैव ये आलू, उसके बाद प्याज, ग्रीन चिलीज, लेमन, शुगर पाउडर, पीनट्स, हल्दी, मिर्ची और नमक स्वाद अनुसार. उसके बाद ये है पोहा, इसको मैंने 10 मिनट पहले वॉश करके सोक करके रख दिया था. और जब आप पोहा धोएंगे तो मेक श्योर कि बहुत ज्यादा पानी ना करें, वरना वो बहुत ही गीला गीला हो जाएगा जो कि अच्छा नहीं लगेगा. एंड आखिरी में है ये मटर. तो मटर ये आपके ऊपर डिपेंड करता है यार, आपको अच्छा लगता है तो आप डाल सकते हो और नहीं लगता है तो छोड़ दो. मेरे को तो पसंद है तो मैं तो डाल रही हूँ. तो बस इतने से ही छोटे मोटे इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि घर पे नॉर्मली अवेलेबल होते हैं. तो अब मैं ये गैस चालू करते हुए बनाना शुरू करूंगी. चिमनी भी ऑन करना पड़ेगा. ऑलिव ऑयल में बनाऊं तो आप देख रहे हो मैं बहुत ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो गई हूँ, अब मैं पोहा भी ऑलिव ऑयल में बनाती हूँ. तो बेसिकली पोहा इज अ रेसिपी जिसमें बहुत ही कम तेल लगता है, तो हेल्दी भी है और कोई भी इसे नाश्ते में इंक्लूड कर सकता है. तो मीनवाइल मैं जब तक मेरा तेल गर्म हो रहा है, मैं इसमें ये मैंने शुगर का पाउडर करके रखा हुआ था क्योंकि मेरे को बहुत सारी डिशेस में लगता है, तो ये 1 चम्मच मैं इसमें डाल दूंगी. इंदौरी पोहा बेसिकली हल्का सा मीठा होता है तो शक्कर थोड़ी ज्यादा लगती है इसमें. और उसके साथ मैं डालूंगी 1/2 कटा हुआ नींबू. आप ज्यादा भी डाल सकते हो, मैं 1/2 डाल दूंगी. अब मेरा तेल हो गया है गरम, तो सबसे पहले मैं इसमें राई, जीरा और सौंफ डाल दूंगी और उसके साथ डाल दूंगी मिर्ची. तो पहले लेकिन मैं मिर्ची डाल दूंगी. और ये मेरा जो राई, जीरा और सौंफ मैंने निकाल के रखा था इसमें. अब एक स्पेशल टिप मेरी तरफ से कि आलू और प्याज जो है वो आप साथ में डाल देना, बिकॉज बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि पहले प्याज फ्राई करते हैं और फिर आलू डालते हैं, पर उस चक्कर में ना प्याज जल जाती है जब तक आलू पकता है. तो बस अब हम वेट करेंगे इसके पकने का. अब मैं फाइनली स्वाद अनुसार नमक ऐड कर रही हूँ, थोड़ा सा आलू में भी क्योंकि फ्राई होते टाइम उसको भी नमक चाहिए और थोड़ा सा पोहे. और मैं ना पहले पीनट्स फ्राई करना भूल गई थी तो अब मैं फ्राई कर रही हूँ आलू को साइड में लेके. आई होप बस हो जाए. ये हम हैं, ये हमारा पोहा है और ये हमारी पारी हो रही है. तो अभी मेरा सिंस प्याज और आलू 1/2 पक चुका है तो अब मैं इसमें मटर डाल दूंगी. एंड ऑफ कोर्स यू कैन स्किप दिस अगर आपको मटर नहीं अच्छा लगता है, तो मेरे को बहुत पसंद है तो आप खाइए. और मीनवाइल मैंने पीनट्स भी फ्राई करके निकाल लिए हैं.
नाउ सिंस मेरी आलू भी पक गए हैं, जैसे अगर मैं इसको ऐसे चम्मच से काट के देखूँ तो ये कट रहा है, इट्स वेरी सॉफ्ट। इसका मतलब ये है कि ये पक गए हैं, मेरी अनियंस भी पक गई है और मेरे मटर भी पक गए हैं। तो अब मैं सीधे उठा करके इसमें मसाला डालूंगी। अब मैं इसमें लाल मिर्च कम डालूंगी बिकॉज मैं ऑलरेडी 4 हरी मिर्च डाल चुकी हूँ, तो लाल मिर्च को थोड़ा सा कम डालूंगी। आपको बहुत तीखा पसंद है तो आप डाल सकते हो, बट मेरी हरी मिर्च बहुत तेज है तो मैं ज्यादा नहीं रखूंगी। और हल्दी, मेक श्योर इसमें धनिया पाउडर मत डाल देना, इसमें नहीं डलता है धनिया पाउडर। एंड नाउ वी आर गुड टू गो। फटाफट इसमें हम पोहा डाल देंगे। एंड गिव इट अ मिक्स, दैट्स ऑल यू गॉट टू डू। मिक्स्ड एवरीथिंग, बस 2 मिनट इसे ढक के पकाना है हमें। आखिरी में बस थोड़ी सी चीज करनी है, थोड़ी सी धनिया चॉप करके आप इसमें डाल दो। और नहीं खाते हो तो मत डालो यार, ये आपके ऊपर है, पर मेरे को तो सब पसंद है। हाँ, पर फ्लेवर अच्छा आता है धनिया से। अभी हो चुका है मेरा पोहा रेडी, मैंने प्लेट में भी निकाल लिया है। और इंदौर में पोहा खाया जाता है सेव और प्याज के साथ, और उसके ऊपर डालते हैं जीरावन। तो अब आप देख लो, जीरावन तो यहाँ मिलने से रहा, पर सेव और प्याज तो आपको मिल ही जाएगी। तो मेरे पास सेव नहीं है, और मेरे हस्बैंड को भी नमकीन ज्यादा पसंद है तो मैं नमकीन डाल दिया है। तो या गो एंजॉय योर पोहा, बना के देखो मेरी रेसिपी से कैसा लगता है मुझे बताओ, और कमेंट जरूर करना। और अगर आप और भी कुछ देखना चाहते हो मुझे कुक करते हुए तो मुझे बताओ, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो।